Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Pirojsha Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time. Student, आज का हमारा टॉपिक है आइटम राइटिंग, यानी कि एकांश को कैसे हम लिखते हैं। एकांश वो चीजें हैं जिससे हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो आइटम्स हैं। सपोज मैं अगर कोई शोध कर रही हूँ, तो शोध में अगर मैं डेटा कलेक्शन कर रही हूँ, तो एक टूल के तौर पे हम क्वेश्चनर को या आइटम्स को यूज करते हैं। तो आइटम राइटिंग के पीछे बहुत सी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। क्या इसकी तरीके हैं उसे हम जान सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए बात करते हैं आइटम राइटिंग। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली आइटम, यानी कि एकांश होते क्या हैं। एकांश एक ऐसी चीज है कि जो हमारे जीवन में शुरुआत से जुड़ी हुई है। अगर सपोज हमें किसी के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो उनसे प्रश्न करते हैं, किसी एक सेट फॉर्मेट के थ्रू हम उससे आंसर चाहते हैं। तो एक एक तरीके का टास्क होता है जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होता, टूटा नहीं होता है, वो एक मीनिंगलेस एक तरीके के शब्द होते हैं जिससे कोई आंसर निकालने की हम कोशिश करते हैं। बीन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं, जो आइटम है, अ सिंगल टास्क और क्वेश्चन दैट यूजुअली कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू एनी स्मॉलर यूनिट। एक टास्क हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, जो कि एक यूनिट के तौर पे होता है, इकाई के तौर पे होता है, और उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बीन आइटम की डेफिनेशन है। इसके साथ ही साथ जो एकांश होते हैं ना, उसमें कुछ खूबियों की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम कोई आइटम बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, तो उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो खूबी हो, इट शुड बी मीडियम इन डिफिकल्टी लेवल। जो आइटम हो वो कठिनाई स्तर के तौर पर मध्यम स्तर का होना चाहिए, ना ही बहुत कठिन ना ही बहुत ईजी होना चाहिए। मीनिंग शुड बी क्लियर, आइटम का जो अर्थ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन पावर से तात्पर्य है कि तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और मीडियम लेवल के स्टूडेंट को अगर ये अलग अलग सेग्रीगेट कर पा रहा है, इट मींस अ गुड क्वालिटी ऑफ आइटम है। ट्रिवेलिंग एस्पेक्ट का मतलब है कि कोई भी आइटम जो बन रहा है वो किसी पर्टिकुलर रिसर्च या प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो उसके कितना इर्द गिर्द ये घूमता है। एंड गेस वर्क शुड रिमूव, और हमेशा आइटम ऐसे होने चाहिए जो एकदम क्लियर कट होने चाहिए, जो लैंग्वेज हो वो बहुत ही साफ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो गेस वर्क से बचें और क्लियर कट आंसर दें, जिससे कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम स्तर पर जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के नॉर्मली हमें आइटम देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात भी करूँ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन या एग्जामिनेशन दिए हैं, तो हमें नॉर्मली एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स देखने को मिलते हैं। ऑल दो एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। एसे टाइप की अगर बात करूँ, तो ये ओपन एंडेड आइटम्स है एकांशों कहते हैं, जिसमें कि जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो अपनी तरफ से कल्पना करके या एक्सप्लेनेशन करके आंसर देने की कोशिश करता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स वो होते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेट उसका आंसर होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है उसको उस पर्टिकुलर आंसर को ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो शॉर्ट जो ऐसे टाइप आइटम्स हैं वो शॉर्ट ऐसे टाइप हो सकते हैं, लॉन्ग ऐसे टाइप हो सकते हैं, यानी कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे आइटम्स में जाते हैं। इसमें हम बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को जान सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, एसोसिएशंस को जान सकते हैं। बट इसकी जो स्कोरिंग होती है वो थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बकायदे हमें पूरा आंसर पढ़ना पड़ता है, उसकी इनडेप्थ को जाके बच्चा किस फीलिंग में आके किस एक्सप्लेनेशन को समझाना चाह रहा है वो सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कोरर होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। एंड इसमें सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, और रिकॉल पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें याद हैं, उसके आधार पर उसका आंसर लिखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव आइटम जो होते हैं, ये सप्लाई टाइप आइटम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन की पूर्ति करते हैं। यस और नो टाइप हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप हो सकते हैं, चॉइस आइटम हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वन फिक्स्ड आंसर होता है इसका। टू ऑल्टरनेटिव आइटम्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हम दे सकते हैं, मैचिंग टाइप भी आपको आइटम्स इसमें देखने को मिलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, लेकिन ऐसे टाइप आइटम जो है उसका जो दायरा है वो सीमित है, हर प्रकार के रिस्पोंडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली छोटे बच्चों पे, जब हमें किसी छोटे बच्चों से अगर हमें कोई डेटा कलेक्शन करना होता है। तो
अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि आइटम राइटिंग करते समय हमें क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हम अपने आइटम को बेहतर आइटम बना सकते हैं, तो कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं जिसको कि हमें जहन में रखना चाहिए जब हम आइटम तैयार कर रहे हैं किसी भी शोध से संबंधित। सबसे पहली जो चीज है डिफरेंशिएट बिटवीन इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर एंड सुपीरियर से मतलब है उन मतलब सपोज किसी सैंपल पे अगर मैं डेटा कलेक्शन कर रही हूँ तो उस सैंपल में कौन बच्चा हाईएस्ट स्कोरर है कौन लोएस्ट स्कोरर है, तो इसके बीच कम से कम वो अंतर कर सके इस टाइप के आइटम होने चाहिए। एंड डोंट डू नॉट यूज नॉन फंक्शनल वर्ड। नॉन फंक्शनल वर्ड कभी भी हमें यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है। डिफिकल्टी लेवल, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इट शुड बी इन मीडियम लेवल। इररिलेवेंट एक्यूरेसीज को हमें हटानी चाहिए, यानी क्लूज जितने कम से कम दे सको, इररिलेवेंट आंसर इससे जितने कम से कम आ सके, तो आइटम शुड बी एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। इररिलेवेंट क्लूज से हमें बचना चाहिए आइटम राइटिंग करते समय। टू ऑल्टरनेटिव आइटम्स हमें देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सेम अर्थ के दो दो चीजें मीनिंग निकल रही है तो बच्चा वो नहीं दूसरा जो हमें चाहिए उसकी जगह दूसरा आंसर दे रहा है। डोंट यूज इंटरलॉकिंग आइटम। इंटरलॉकिंग आइटम का मतलब है कि एक ही आइटम से दो तीन चीजें हम पूछने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज से हमें बच के सिंपल सटीक एक क्वेश्चन एक टाइप के रिस्पॉन्स से होने से संबंधित होने चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप के रिस्पॉन्स से संबंधित। तो इंटरलॉकिंग से हम जितना बचे हमें उतना ही फेयर कहीं ना कहीं डेटा मिलने की चांसेस रहती है। तो ये था स्टूडेंट आज के हमारे वीडियो का टॉपिक आइटम राइटिंग। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम रिसर्च करते हैं कोई डेटा कलेक्शन करते हैं टूल में जब हम क्वेश्चनर को या शेड्यूल को यूज करते हैं, तो एक रिसर्चर के लिए आइटम राइटिंग को सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लाइफ के लिए। आई होप आपको आइटम राइटिंग का मीनिंग और उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर एंड बाय।